नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई घटना के बाद पूरे देश में तनाव और गुस्से का माहौल है। लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। फिलहाल इस बारे में सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सख्त कदम उठा लिए हैं। इसके बाद भी कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। पहले जाना धारा 370 के बारे में। मालूम हो कि धारा 370 कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करती है। इसके साथ ही इस राज्य पर भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही भारत के अन्य राज्य का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी नहीं बन सकता, न ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता। जानकारी के लिए बता दें कि समय समय पर कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग उठती रही है। फिलहाल ऐसे समय में अगर धारा 370 हटा दी गई तो यह सरकार की तरफ से देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है। अब जाना धारा 370 के बारे में मिली सुप्रीम कोर्ट से जानकारी के बारे में। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कश्मीर से धारा 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने की बात कही है। न्यायमूर्ति राजीव खन्ना ने आगे यह भी बताया कि अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार के अनुरोध का संज्ञान लिया जा चुका है। उनकी याचिका अत्यंत राष्ट्रीय महत्व की है और इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।